नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पांच छह है बातें हैं फटाफट से सुन लेनी है आप लोगों को फटाफट से यूपी ट्री पॉलिसी पैट दो के लिए जो आपकी मैराथन क्लास चल रही है डेली बेसिस पर आपकी एक मैराथन क्लास होती है जिसमें आपको कम से कम 15 क्लासेस डी की पहले ही कराई जा चुकी हैं लगभग 70 से 80 डी आपको पहले से ही कराई जा चुके हैं इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर अब डी लगातार हर प्रकार की राहुल सर ने करा दी है वो आप कर लेंगे फिर भी मंडे को यानी कि सोमवार को दो दिन के बाद आपकी डी की मैराथन एक और लगवा देते हैं जो सीधे पेपर में आ जाए और इसके साथ अंक गणित की भी जो आपकी दशमलव संख्याएं हैं पूर्ण भिन्न संख्याएं हैं वर्गमूल घनमूल और ये सारी जो परसेंटेज ये वाले जो क्लास होनी है इसकी क्लासेस मानिए कि मंडे को आपको मैथ की एक मैराथन मिल जाएगी जिसमें पूरे क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे ठीक है ना उसी टाइप के सॉरी उसी टाइप के आ जाएंगे ठीक है दूसरी बात आपको ये बतानी है जो वीडियो री एग्ज़ाम का बैच मैंने एक महीने पहले या कब छब्बीस अगस्त के आसपास है ना जो लॉन्च किया था उसमें मैंने आपके कहने पर सभी लोगों की ख्वाहिश थी कि मुझे अतुल सर का वीडियो कोर्स रीजनिंग में चाहिए है ना तो मैंने उसको अपलोड करा दिया है ठीक है ना मैंने अतुल सर की रीजनिंग की क्लास आपके में अपलोड करा दी है और तुम लोग खुश भी हो गए हो ठीक है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बस सिलेक्शन देकर दिखाइएगा आप जब सिलेक्शन ले लीजिएगा तब बस बता दीजिएगा सर आपने जितना किया है उसके लिए काम हो गया है ठीक है ना कुछ वही जो सौ रुपये वाला वीडियो री एग्ज़ाम का कोर्स लॉन्च किया था हाँ उसी में आप कहेंगे सर रीजनिंग की जो वीडियो कोर्स था उसकी कीमत तो पाँच सौ रुपये है ना लेकिन आपने सौ रुपये में दे दिया है कोई बात नहीं आप पढ़िए पढ़िए आराम से पूरा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से है ना मैंने आपको जीएस की किताब दे दी है रीजनिंग की किताब दे दी है मैथ की किताब दे दी है है ना जो बुक्स थी वो उसका मैंने आपको दे दिया है ठीक है बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा तो वीडियो री एग्जाम में मैंने रीजनिंग की सारी क्लासें अपलोड कर दी हैं बाकी सारी क्लासेस भी अपलोड हो ही गई हैं उसमें अगर दो तीन टॉपिक ऊपर नीचे होंगे तो मैं देख लूँगा उसको करवा दिया जाएगा परेशान बिल्कुल नहीं होना है तो वीडियो री एग्जाम वाला पार्ट हो गया इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है यूपी ट्रीप्लस पैट की कल यानी कल है संडे और कल आपकी विज्ञान की महामराथन होने वाली है क्या विज्ञान की महामराथन होने वाली है शाम को सात बजे तो उसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हिस्ट्री की मैराथन हो गई है जोग्राफी की खत्म हो गई हिस्ट्री ख़त्म हो गई है जोग्राफी खत्म हो गई पॉलिटी में दो टॉपिक बचे हुए हैं एक पंचायती राज व्यवस्था यूट्यूब की बात बता रहा हूँ पंचायती राज व्यवस्था और न्यायिक ढांचा ये दो चैप्टर और केंद्र राज्य में संबंध ये तीन चैप्टर बचे हैं उसको मैं एक दिन आकर वो भी खत्म कर दूंगा तो हिस्ट्री हो जाएगी पॉलिटी हो जाएगी हिस्ट्री हो गई है पॉलिटी हो जाएगी जोग्राफी आपकी हो गई है है ना मैथ आपकी हो गई है फिर भी मंडे को एक क्लास आपकी लगी है मैराथन की इतनी ही क्लासें आपको देखनी है और कहीं भटकना नहीं है बच्चों कहीं नहीं भटकना है तुमको कहीं भी नहीं भटकना है ठीक है इसके बाद कल आपकी विज्ञान की मैराथन हो जाएगी मंडे को आपकी मैथ की मैराथन हो जाएगी ट्यूसडे को आपकी आ, करंट अफेयर की मैराथन हो जाएगी ट्यूसडे को आपको करंट अफेयर की मैराथन हो जाएगी और वेनेसडे को आपकी इकोनॉमी की मैराथन हो जाएगी और इसमें आपका सारा पार्ट खत्म हो जाएगा जो पेट में बहुत महत्वपूर्ण वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा अब सुबह भी एक मैराथन शुरू हो रही है जैसे शाम को मैराथन होती है ना तो कोशिश करेंगे एक मैराथन सुबह भी करवा दिया जाए जैसे रीजनिंग की हो गई इंग्लिश की हो गई है ना तो इसकी और हिंदी की हो गई तो इसकी मैराथन भी हम आपको करवा देंगे सुबह वाले पार्ट पे ठीक है ना और अगले तीन चार दिनों में वो मैराथन करा के आप बस रिवीजन करते चले जाएं अच्छा जैसे ये ज्योग्राफी की है ना आपकी अब आप यहाँ पर दिक्कत आती है सर पीडीएफ की ठीक है ना तो मैंने आपको पॉलिटी की पीडीएफ प्रदान करा दी है पॉलिटिक जो मैराथन ली थी उसकी पीडीएफ आपको मिल गई है कहाँ पर एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर अब जोग्राफी की पी की बात आई है अरे हाँ कि ना तो आपको पी नहीं मिली थी ना क्योंकि हाँ यहाँ स्टाफ में कोई था नहीं ये पी बन चुकी है जो सर ने पढ़ाया था उसकी पी बन चुकी है ये आपको जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे है ना आप वीडियो देख ही रहे होंगे और टेलीग्राम पर इसकी पी पहुंच चुकी होगी जोग्राफी मैराथन क्लास वन और जोग्रफी मैराथन क्लास टू दोनों की पी डी वहाँ पर पहुंच चुकी होगी कल विज्ञान की होगी विज्ञान की पी डी ऑन द स्पॉट तुरंत ही चली जाएगी बात समझ में आ रही है इसके बाद एफ सी आई का जिसको बैच लेना है वो एफ का बैच ले सकता है एस एस का बैच ले सकता है उसकी है ना फीस कम कर दी है पाँच सौ कर दी है तो उसको आप ले सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं ठीक है मज़ा आ जाएगी आपको हाँ एक और बात यू पी पी एस सी आर का बैच जिसने लिया है है ना जिसने आर ओ आर ओ आ आर ओ स्पेशल ट्वेंटी थ्री बैच लिया है प्री मेंस वाला है ना और जिन्होंने बी का बैच लिया है उनकी आंसर राइटिंग उनकी आंसर राइटिंग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं यानी मंडे से हम हिंदी में पत्र लेखन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कार्यालय आदेश विज्ञप्ति है ना ये सारी चीज़ें आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं तो आपका मंडे से हिंदी वाला क्लास स्टार्ट हो रहा है जो लेखन वाला है निबंध वाला है वो वाला पार्ट और यू पी में भी यूपीपीएससी बीईओ वाले बैच में भी है ना आंसर राइटिंग मंडे से ही स्टार्ट हो रही है उसमें बायोलॉजी चल रही है हालांकि वो चलती रहेगी साइंस वाला पार्ट है ना और इधर मैं आंसर राइटिंग कराना आपको शुरू कर रहा हूँ है ना तो ये वाला पार्ट हो गया और कोई बात बची है पीडीएफ वाली बात बता दी है मैराथन वाली बात बता दी है वीडियो री एग्ज़ाम में रीजनिंग क्लास अपलोड कर दी गई है ये मैंने बता दिया है कंप्लीट तरीके से जीएस पहले अपलोड हो गई थी हिंदी अपलोड हो गई हिंदी में दो क्लासें बची हैं लेखक और रचनाओं वाली लेखक कवि और रचनाएं उनकी दो तीन क्लास बची हैं मुझे सब पता है मुझे सब याद है परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है ठीक है ना और और बाकी अगर आपको जो समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे बाकी मैं उसको भी शॉर्ट आउट करवा दूंगा जितना मैं मुझसे हो सकता है अपने जीवन में मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए करने को हमेशा तत्पर हूँ अच्छा ऑफलाइन की क्लासें पेट की चल रही हैं जो बच्चा एस गुरुकुल का विद्यार्थी है जो भी विद्यार्थी एस गुरुकुल का है और लखनऊ के इर्द गिर्द रहता है यानी कि हमारे संस्थान के केशव नगर लखनऊ फैजुल्लागंज के जो इर्द गिर्द रहता है है ना उसका मोस्ट वेलकम है वो यहाँ पर आ सकता है और यू पी टी पेट की क्लासेस कर सकता है 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 ना सीट मिल जाएगी तो आपको बैठने का जरूर मिल जाएगा आज तो पूरा हाउसफुल था ठीक है ना तो ये वाला पार्ट हमने आपको बता दिया और ये के पहले से पेट की जो क्लास चलती है ऑफलाइन वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक चलती है ठीक है और क्या बताना है हाँ यूपीपीएससी आरओ एआरओ का बैच है ना यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो बैच है वो नया बैच आपका 10 अक्टूबर है आज सॉरी 8 अक्टूबर है और आठ सात पंद्रह पंद्रह हाँ यानी कि बाईस अक्टूबर से बाईस अक्टूबर से यू पी पी एस सी आर ओ आर ओ प्री कम मेन्स का बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफ़लाइन तो जो बच्चा लखनऊ का है और आर ओ की तैयारी करना चाह रहा है वो यहाँ पर ऑफलाइन बाईस अक्टूबर को आ सकता है बात रही है फीस मिनिमम से मिनिमम मात्र दस हज़ार रुपये फीस है है ना इसमें मैं आपको पूरे एक साल के आसपास पढ़ाने वाला हूँ प्री और मेन्स दोनों बात समझ में आ रही है तो 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है आर ओ आर ओ की उसके लिए तैयारी करवाऊंगा अब आर ओ आर ओ दो हज़ार बाईस में आपको देना है है ना फरवरी मार्च में पेपर हो जाएगा कोर्स पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा बात समझ में आ रही है हाँ तो दस हज़ार रुपये में एक साल तक आपको पढ़ना है बात समझ में आ रही है अब फीस कम क्यों है कम इसलिए है क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं वो कमरा कमरा लेकर रहते हैं है ना तो उसमें भी खर्चा लग जाता है तो मुझे एक लाख रुपये फ़ीस नहीं चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब मुझको आप पैसा दे दीजिएगा बाकी ठीक है ना आप लगे दस हज़ार दे चुके हैं नब्बे हज़ार और दे देते हैं सर को तब दे दीजिएगा जब आपकी सैलरी आ जाए पहली वाली ठीक है ना चलिए जब आपको लगे तब है ना नहीं तो नहीं देना कोई बात नहीं तुम खुश रहो ठीक है और 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 बाकी बेटा जो तुम्हें लगे वो हमको बता देना है जो फटाफट से और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ठीक है सुबह दोपहर शाम आप ही लोग के बारे में सोच सोच के सोच सोच के और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं सब कर ही रहा हूँ बस धन्यवाद ठीक है